हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिम और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, कौन कौन से मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और टोटल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से प्लांट का एक्सक्रीशन होता है। देखिए, यहाँ पे हमने इसको वीडियो में दो सेक्शन में बांटा हुआ है। एक तो एनसीईआरटी बेस्ड कुछ टॉपिक है, छोटा सा ही है एक्सक्रीशन का, एक वो टॉपिक रखा है, और एक हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके थोड़ी सी बात की है कि किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है और कौन कौन से चीजें एक्सक्रीट होती है, किस पार्ट से कौन सी चीज एक्सक्रीट होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में सबसे पहले तो ये देख लें कि प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है क्या। बेसिकली प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस अगर गैसियस फॉर्म की बात करी जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपके गैसियस सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सक्रीटरी हैं। बट यहां पे एक खास बात आपको बता दें कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये गैसियस सब्सटेंस ऑक्सीजन एक मेजर सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन में बनने की वजह से ये जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वापस से फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, यानी कुछ मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उसमें इनको दोबारा से यूज कर लिया जाता है, इसलिए मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो बना वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो हम लोग यहां पे बात करेंगे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए इन्होंने कहा है कि ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे एक्सक्रीट होता है। तो आपने पढ़ा है स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर रिलीज होता है। तो जो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। इसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिलीज होगी बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू रिलीज होती है। आपकी अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स में डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ये रूट्स जो है सॉइल में एक्सक्रीट करती है। यानी कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं जिनको हम एरियल पार्ट के थ्रू बाहर निकालेंगे, एरियल पार्ट यानी जमीन के ऊपर वाले पार्ट के थ्रू, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो जमीन के अंदर होंगे जिनको रूट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगी सॉइल के, तो सॉइल में डायरेक्टली डिफ्यूज कर देगी बाहर की तरफ। ये तो बात थी आपकी गैसियस सब्सटेंसेस की। अब बात करेंगे हम लोग कि जो हमारे नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंसेस हैं, लाइक गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स। तो ये तो मेन आपके में लिख दिए गए एनसीईआरटी में कि गम्स होता है, रेजिन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, तो ये एल्केलॉइड्स होते हैं। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो एक्सक्रीट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एनसीईआरटी की एक छोटी सी लाइन हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें बेसिकली दिया हुआ है कि मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स की वैक्यूल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं। इसी के साथ ही साथ इसकी सेल वॉल के ऊपर भी डिपोजिशन हो जाता है। कुछ सेल्स के अलावा कुछ वेसिकल्स बन जाती हैं जिनमें लेटेक्स वगैरह भी सेव रहता है। तो ये सारी बातें अदर वेस्ट। अच्छा, दूसरी बात एक छोटी सी और यहाँ पे बताया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने चूंकि चल नहीं पाते, हम लोग तो चल फिर सकते हैं, प्लांट्स तो चल भी नहीं सकते, तो प्लांट्स ने एक टेक्निक डेवलप की, इनकी बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है ह्यूमंस से या एनिमल्स से एक्सक्रीशन की। तो प्लांट्स की ह्यूमन या एनिमल्स से जो डिफरेंट मैकेनिज्म है वो क्या है, प्लांट्स अपना जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको ये उठाते हैं और लीफ के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये लीफ को फॉल आउट कर देते हैं, यानी लीफ गिर जाएगी, सॉइल में मिल जाएगी, तो ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है ये कहां चले जाएंगे, ये सॉइल में चले जाएंगे। इसी के साथ ही साथ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि इनकी आउटर कवरिंग, जिसे हम कहते हैं बार्क, स्टेम के ऊपर ये जो बार्क होती है, जिसे हम लोग हिंदी में छाल भी बोल रहे होते हैं, ये बार्क में भी अपने डेड सेल्स और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको यहां पे स्टोर कर देते हैं और ये बार्क जो है वो शेड हो जाती है। क्लियर हो रहा है?
तो ये प्लांट्स जो है इस तरीके से अपना मटेरियल जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कौन कौन से सब्सटेंस रिमूव कर रहे हैं इसकी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो सब्सटेंस हैं वो है वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीफ दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, तो जो ओल्ड जाइलम है उसमें रेजिन्स और गम्स। देखिए ओल्ड जाइलम आपको कहां मिलेगा, जो स्टेम है उसके मिड पार्ट में, बिल्कुल मिड में, बीच में ओल्ड जाइलम मिलेगा, जिसका दूसरा नाम हो सकता है सेकेंडरी जाइलम। और चूंकि ये डेड पार्ट होता है इसीलिए इसे कहते हैं हार्ड वुड, ये बहुत ही सॉलिड रहता है। तो हार्डवुड, सेकेंडरी जाइलम या ओल्ड जाइलम में रेजिन्स और गम्स यहां स्टोर रहेंगे। क्लियर हो रहा है, तो ये एक एनसीईआरटी का पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया, या अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहीं तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को आगे तक देगी, उसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। रेजिन्स और गम्स जो हमारे निकल रहे हैं वो रेजिन्स और गम्स कौन कौन से प्लांट्स से निकल रहे हैं इसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक चार्ट बना देते हैं, वो देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट से हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं प्लांट के, मतलब कौन कौन से मैक्सिमम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा चार्ट दिखाया हुआ है आपको, नॉन नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स में हमारे टैनिंस, रेजिन्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स और मिनरल क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट में एल्कलॉइड्स आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर डिटेल में आपको यहाँ पे चीजें दिखती जाएंगी और हम लोग यहाँ पे बात करते जाएंगे। देखिए टैनिंस जो होते हैं ये बिटर होते हैं टेस्ट में, और बेसिकली ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये डेड लीव्स में होते हैं या डेड पार्ट ऑफ द प्लांट हो सकते हैं जो कि हार्डवुड होता है। क्लियर हो रहा है, इसके अलावा कुछ डेड सेल्स में या सेल सैप में भी ये स्टोर हो सकते हैं, वैक्यूल्स में भी ये स्टोर हो सकता है ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। क्लियर, एल्कलॉइड्स वो होते हैं, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी जैसे मॉर्फिन, कोनीन्स, जो ये चीजें हैं तो ये पॉइजनस और मेडिसिनल वैल्यू में इसका बड़ा यूज होता है, मॉर्फिन वगैरह का नाम बहुत ज्यादा आता है मेडिसिन में, तो ये एल्कलॉइड्स होते हैं। टैनिंस, रेजिन्स, गम्स आप लोगों ने सुने होंगे, हींग वगैरह के बारे में बात सुनी होगी, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे 10th क्लास में वो 6 हैं हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें पहले हम लोग बात करते हैं टैनिंस की कि टैनिंस क्या होते हैं कैसे होते हैं। तो टैनिंस आर बिटर इन टेस्ट, दे अकर इन लीव्स, ग्रीन फ्रूट्स, सेल वॉल, बार्क एंड हार्डवुड। देखिए ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, ये हमारे लीव्स में होंगे या ग्रीन फ्रूट्स में होंगे या प्लांट्स के बार्क में हो सकते हैं या सेल वॉल के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग अगर टी लीफ की बात करिए तो टी लीफ जो होती है उसमें ये बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपने आंवला की बात करी और बीटल नट्स यानी सुपारी की बात करी, तो जो सुपारी होती है, आंवला होता है, इसके फ्रूट्स में भी ये आपको मिलेंगे टैनिंस। साथ ही साथ अगर कत्थे की बात करें, हम लोग कत्था चूना लगाते हैं पान में, तो जो कत्था होता है दैट इज चूइंग बीटल लीफ के ऊपर जो यूज किया जाता है वो कहां से मिलता है, वो एकेसिया स्पीशीज है, उसके हार्डवुड से मिलेगा। हार्डवुड हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये प्लांट का मिड पोर्शन होता है स्टेम का, जिसे हम कहते हैं हार्डवुड, ये बीच वाला पार्ट जो कि डेड जाइलम से, ओल्ड जाइलम से मिलके बना होता है, वो कहलाता है हार्डवुड। अब बात करते हैं रेजिन की कि ये रेजिन्स क्या होते हैं। तो रेजिन्स आर अनदर ग्रुप ऑफ वेस्ट फाउंड कॉमनली इन स्टेम्स ऑफ कोनीफर्स। अब ये जो कोनीफर्स हैं ये क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोनीफर्स के बारे में, नहीं पढ़ा है तो यहां समझिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम कोनीफर्स रखते हैं, लाइक पाइनस, साइकस स्पीशीज को हम रखते हैं, तो वो हमारे कोनीफर्स होते हैं और उनके अंदर से हमें क्या मिलता है, रेजिन मिलता है। दीज आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, तो अभी हम लोग इसेंशियल ऑयल के बारे में बात करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है रेजिन्स। दीज आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इसेंशियल ऑयल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि रेजिन्स में किस तरीके के रेजिन्स हो सकते हैं, तो 3 टाइप के रेजिन्स हो सकते हैं,
एक हार्ड रेजिन होता है, एक ओलियो रेजिन होता है, एक गम रेजिन होते हैं। जो हार्ड रेजिन है या हार्ड रेजिन है वो कैसा रेजिन है, ये बेसिकली यूज होता है टॉयज, सिगार पाइप्स और टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओलियो रेजिन की, तो हमारा टर्पेंटाइन ऑयल जैसे कि तारपीन का जो तेल होता है उससे हम लोग पॉलिश करते हैं, हमारे लकड़ी का जो सामान होता है उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, तो पॉलिशिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसी के साथ साथ जो अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मेन जो हींग है वो भी मिलती है हमें, ये भी एक टाइप का रेजिन सब्सटेंस ही है। और ये रेजिन सेक्रेशन किससे मिलता है, ये रूट से मिलता है, फ्यूरिया एसिफोटिडा। ये फेरुला एसिफोटिडा से हमें मिलेगा जो हमारा हींग मिलती है, क्लियर। तो फेरुला एसिफोटिडा ये हमारा हो गया प्लांट, और उसका जो रेजिन है वो क्या है, वो हींग है, उसमें रेजिन सेक्रेशंस होते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो एसेंशियल ऑयल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होते हैं एसेंशियल ऑयल और वो कैसे काम कर रहे होते हैं, उनकी भी बात करते हैं यहाँ पे। तो एसेंशियल ऑयल को अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसेंशियल ऑयल्स, ये बेसिकली किसमें मिलेंगे हमें, ये बेसिकली होते क्या है, ये लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस। आपने यूकेलिप्टस देखा होगा और आपने ऑयल्स की बहुत जगह बात करी होगी, जैसे कि आप बात करते हो कि आपने गुलाब जल की बात की, तो गुलाब जल क्या है, गुलाब के जो पेटल्स होते हैं उससे हमारा ऑयल निकलता है, जैस्मिन ऑयल होता है। तो ये हमारे जो पेटल्स हैं इनसे भी ऑयल निकलते हैं, तो यूकेलिप्टस हो गया। आपने लेमन देखा होगा या ऑरेंज जो देखा होगा, लेमन और ऑरेंज के जो रिंड होता है, जो छिलका होता है, वो हमारा बड़ा ही चिकना होता है, वो जो ऑयली उसके ऊपर सब्सटेंस है वो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही है। इसके अलावा आपने बेसिल यानी तुलसी की बात की होगी, तो तुलसी में भी ऑयल निकलता है। ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, क्लियर हो रहा है। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन ऑल्सो कंटेन्स ऑयल। इसके अलावा बात करते हैं, कुछ एक बात अगर रह जाती है तो यहाँ पे एक बात ये रह जाती है कि एक और चीज है, यहाँ पे आप 6 पॉइंट इसे बना देते हैं, 7 इसे बना देते हैं, लेटेक्स। अगर आप बात करिए कि लेटेक्स क्या होता है, तो लेटेक्स अगर आप देखते हो कि आपने कनेर या पपीता यानी पपाया का अगर आपने प्लांट देखा हो, तो उसके ऊपर अगर हम हल्का सा भी कट लगाते हैं तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस बाहर निकलता है। तो क्या होता है, सम प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड एज थिक व्हाइट फ्लूड, तो ये व्हाइट फ्लूड की तरह इसमें स्टोर रहता है। यू मे हैव सीन फ्लूड ऊज आउट व्हेन यू पिक पपाया। तो पपाया को अगर आप प्लक करते हो, तो प्लक करते ही हमारा पपाया जो है, चाहे जहां से टूटता है वहां से व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकल रहा होता है, ये या येलो ओलेंडर यानी कि हमारा कनेर जो प्लांट है उससे ये व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस निकल रहा है, ये हमारा क्या है, लेटेक्स है। बात करते हैं हम लोग गम्स की, तो ये गम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंस है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये कॉमन गम ट्री लाइक बबूल में मिलेंगे। These are secreted by breakdown of cell wall. ये किससे secrete होंगे, ये cell wall के breakdown से बनते हैं। और ये होते क्या हैं? Basically इनका composition में ये carbohydrate होते हैं जो dissolve कर सकते हैं, dissolve in water to form an adhesive. Adhesive को बना सकते हैं यानी कोई भी चिपकाने वाली चीज बना सकते हैं। So it means और medicines में इनका use किया जाता है। अब बात करते हैं मिनरल क्रिस्टल्स की, जो हमारा यहाँ का आखिरी टॉपिक हो जाएगा, मिनरल क्रिस्टल। मिनरल क्रिस्टल्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ये हार्मफुल विच माइट प्रूव हार्मफुल टू प्लांट्स ऑफन कंबाइंड विद एक्सेस कैटायंस। अगर कैटायंस के साथ में जो एक्सेस कैटायंस है, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स है, कैल्शियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, तो ये कैटायंस के साथ में ये उसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं और इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स की तरह ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और जैसा कि इसमें एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, ऑक्सीडेट कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट इन सम बड्स ऑफ याम यानी जमीकंद। तो कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स जो हैं वो ट्यूबर्स हमारे होते हैं, तो ट्यूबर्स के अंदर मिलेंगे। जमीकंद जो आपको प्लांट तो दिख रहा है, तो जमीकंद का जो प्लांट होता है उसके ट्यूबर्स में कौन मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीडेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्लियर हो रहा है।
अब हम लोग बात करेंगे एल्केलॉइड्स की कि ये एल्केलॉइड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये भी बिटर होते हैं टेस्ट में। दे आर थॉट टू बी एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट होते हैं। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अगर ये एंड प्रोडक्ट हैं, तो यानी ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी अमीनो एसिड हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है, उसके डिग्रेडेशन से ये बनेंगे। ये हार्मफुल और फ्रूटफुल दोनों हो सकते हैं। और ये बेसिकली दो फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। कौन कौन सी वो दो फैमिलीज हैं? प्लांट्स की वो दो फैमिली हैं सोलेनेसी और पेपेवरेसी। सोलेनेसी और पेपेवरेसी से ये बिलोंग करेंगे। और ये क्या बना सकते हैं? ये पॉइजनस और मेडिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही रखते हैं। मेडिसिनल और पॉइजनस दोनों प्रॉपर्टीज को ये बियर करते हैं। इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे क्विनीन और मॉर्फिन। क्विनीन बनता है सिंकोना बार्क से, सिंकोना की बार्क से बनता है। और मॉर्फिन किससे बनता है? ओपियम पोपे यानी पोस्ता प्लांट की फ्लावर के उससे बनता है। ठीक है, कैफीन की बात करी जाए तो कैफीन जो होता है ये कॉफी सीड्स में मिलता है। और निकोटीन हमारे टोबैको लीफ में मिलता है। ये भी एल्केलॉइड्स हैं। बेसिकली ये एल्केलॉइड्स बनते क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम आपको दे दें कि एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये प्लांट्स इसलिए बनाते हैं। ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस तो है ही है, लेकिन कुछ एल्केलॉइड्स प्लांट्स खुद बनाते हैं। लाइक कैलोट्रोपिस यानी मदार में जो प्लांट है वो भी व्हाइट कलर का लेटेक्स निकालता है। कैलोट्रोपिस यानी मदार। तो जो व्हाइट कलर का लेटेक्स मदार में निकल रहा है वो इसलिए निकल रहा है कि जब इन्हें कोई भी जो बाहर से चलते हुए एनिमल्स आ रहे हैं ये प्लांट्स को खा लें तो प्लांट तो डेड हो जाएगा। तो प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए भी ये सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा एक्सक्रीशन का। उम्मीद करते हैं आपको एक्सक्रीशन पूरा समझ में आया होगा प्लांट्स का। तो अगर वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब आपको पता ही करना है। थैंक यू।